भू अभिलेखों के डिजिटलीकरण में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए बिहार को भूमि पुरस्कार में प्लैटिनम श्रेणी का सम्मान। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज करेंगी पुरस्कृत। लोजपा रामविलास सांसद चिराग पासवान ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर बिहार की राजनीति पर चर्चा की। एनडीए में होंगे शामिल। जम्मू कश्मीर के पुंछ से सिंधरा इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच हुए मुठभेड़ में 4 आतंकी ढेर। देश में 2015-16 और 2019-21 के बीच गरीबी में जीने वाले लोगों की संख्या 24.85% से घटकर 14.96% पर आ गई है। सरकार ने उपभोक्ताओं को किफायती मूल्य पर दालें उपलब्ध कराने के लिए भारत दाल ब्रांड नाम के तहत 60 रुपए प्रति किलोग्राम पर सब्सिडी वाली चना दाल की बिक्री शुरू की। इस वर्ष मई में कर्मचारी राज्य बीमा योजना ईएसआई में कुल 20,23,000 नए कर्मचारी शामिल किए गए हैं। पंजीकृत कर्मचारियों में 71 ट्रांसजेंडर हैं। बिहार विधानसभा अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। पहली बैठक 10 जुलाई को शुरू हुई थी और 14 जुलाई को सभा की बैठक के बाद स्थगित कर दी गई। बिहार पुलिस ने ऑपरेशन प्रहार के तहत पिछले 6 माह में 53,664 अपराधियों को गिरफ्तार किया। पटना के जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह द्वारा छज्जूबाग स्थित जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र का औचक निरीक्षण किया गया और विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की गई। दरभंगा के सदर प्रखंड निवासी प्रशांत कुमार सिंह की 7 वर्षीय पुत्री स्तुति ने राज्य स्तरीय कराटे प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीता।